दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज वीरवार सुबह 8 बजे तक 208.46 मीटर तक पहुंच चुका है। ये खतरे के निशान से 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा है। राजधानी के वजीराबाद में सिग्नेचर ब्रिज के पास गड़ी माडू गांव पानी में पूरी तरह डूब चुका है। यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। मौसम विभाग का मानना है कि आज दोपहर तक जलस्तर 209 मीटर पहुंचने पर ज्यादातर इलाके जलमग्न हो जाएंगे। सुरक्षा को लेकर यहां पर एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही 2700 राहत शिविर प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं। इधर हरियाणा में भी 13 जिलों में यमुना का पानी घुस चुका है। 240 गांव बाढ़ की चपेट में आ जाने से तहस नहस हो चुके हैं। धीरे धीरे यमुना का पानी अब आगे की ओर बढ़ रहा है। इससे आज 5 जिले जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल और सरसा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राज्य में अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों पे जिन पर खतरा मंडरा रहा है उनमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद दिल्ली में 13 स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल भी इसमें शामिल होंगे। वहीं बात हरियाणा की करें तो सीएम मनोहर लाल ने भी हवाई सर्वेक्षण के बाद कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। गांव में बाढ़ का पानी उतर चुका है, वहां पर सरकार पूरी तरह से लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही राहत शिविर और चिकित्सक कैंप लगाए जा रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सरकार द्वारा लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में आज जिन 7 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें अंबाला, कालका, बराड़ा, जगाधरी, छछरौली, नारायणगढ़, पंचकुला, चंडीगढ़ शामिल हैं। इनमें 3 घंटों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की आशंका है कि दोपहर के बाद यहां गर्जना के साथ तेज बारिश हो सकती है, साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। हरियाणा प्रदेश में बाढ़ और जलभराव से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 10 लोगों की मौत होने का समाचार प्राप्त हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मकानों की मुरम्मत के लिए भी सहायता राशि दी जाएगी। इधर पानीपत के बाद यमुना ने सोनीपत के इलाकों में नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। यमुना का पानी 10,000 घरों में घुस चुका है। अम्बाला में चंडीगढ़ और भटिंडा मार्ग पूरी तरह बंद किए जा चुके हैं। इसके साथ ही कैथल में हिसार चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग भी पिहोवा से आगे बंद किया गया है। साथ ही कैथल पटियाला राजमार्ग पूरी तरह से बंद है। यहां रोडवेज ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों के रूट बंद कर दिए हैं। चंडीगढ़ जाने वाली बसें भी अम्बाला तक ही जा रही हैं।